Hello students, welcome to our online class. In our previous class, we have discussion about the EBS chapter 9 methods of cooking food. Today we are discuss about the utensil for cooking food. So first, match the following. Book में एक match the following दिया है, उसको देखेंगे. Frying, frying है तुम्हारा समोसा. Frying, frying. समोसा बेकिंग केक्स ग्रिलिंग मीट बॉयलिंग राइस स्टीमिंग इडली केक्स तुम्हारा समोसा फ्राइंग होता है मीट ग्रिलिंग होता है केक्स बेकिंग होता है इडली स्टीमिंग होता है एंड राइस बॉयलिंग होता है यूटेंसिल फॉर कुकिंग फूड जब हम खाना पकाते हैं तब कौन कौन सा बर्तन यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होता है कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट यूटेंसिल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड खाना पकाने के लिए हम लोग बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स के यूटेंसिल्स को यूज करते हैं दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज स्टील आयरन एल्युमिनियम क्ले एंड कॉपर ये जो यूटेंसिल होता है ये बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स से बनता है जैसे स्टील आयरन एल्युमिनियम क्ले एंड कॉपर स्पेशल प्लास्टिक एंड पॉर्कलिन यूटेंसिल आर यूज टू एन ओवन ओवन में जो बर्तन यूज होता है वो प्लास्टिक होता है या फिर पॉर्कलिन यूटेंसिल से बनता है द प्रेशर कुकर इज यूज टू रिड्यूस कुकिंग टाइम प्रेशर कुकर में हम लोग अगर खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है इट ऑल्सो प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड नेम द कुकिंग इम्प्लीमेंट्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो कुछ पिक्चर दिया गया है और कौन सा पिक्चर किसका है कौन सा यूटेंसिल का है हम लोग देखेंगे ये है तुम्हारा फ्राइंग पैन नेक्स्ट ये है बेकिंग ट्रे ये है सॉस पैन और ये है प्रेशर कुकर स्टोव्स एंड फ्यूल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स यूज फॉर कुकिंग फूड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्टोव में हम लोग खाना पकाते हैं फॉर एग्जाम्पल गैस स्टोव माइक्रोवेव ओवन किरोसिन स्टोव हॉट प्लेट सोलर कुकर तंदूर चूल्हा बहुत सारा स्टोव्स है जिसमें हम लोग खाना को फूड को पकाते हैं All these stoves are need different fuel. ये जो जितना सारा स्टोव पिक्चर में देख रहे हो या फिर और भी जो है वो उसमें अलग अलग फ्यूल लगता है जैसे LPG इज यूज इन गैस स्टोव में जो फ्यूल निकलता है वो LPG का होता है किरोसिन इज यूज इन किरोसिन स्टोव में सिर्फ किरोसिन ही यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन माइक्रोवेव ओवेंस एंड हॉट प्लेट और माइक्रोवेव में तुम्हारा वो इलेक्ट्रिक से चलता है वुड एंड कोल आर यूज इन चूल्हा एंड तंदूर चूल्हा और तंदूर के लिए तुम्हारा वुड एंड कोल ये सब यूज होता है लेट्स लर्न कीवर्ड्स रेडिएशन मीन्स एमिशन ऑफ एनर्जी नॉन स्टिक दैट डज नॉट अलाउ फूड टू स्टिक कोटिंग एंड आउटर लेयर लेट्स रिकॉल मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज कुक्ड हम लोग जो खाना जो फूड खाते हैं वो ज़्यादातर पका हुआ ही होता है कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट जो पका हुआ खाना होता है कुकिंग फूड होता है वो सॉफ्ट होता है टेस्टी होता है एंड जल्दी वो डाइजेस्ट भी हो जाता है देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हम लोग खाना पकाते हैं जैसे बॉयलिंग फ्राइंग बेकिंग स्टीमिंग रोस्टिंग ग्रिलिंग एंड यूजिंग माइक्रोवेव रेडिएशन आर सम वे ऑफ कुकिंग देयर आर डिफरेंट यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग फूड खाना पकाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूटेंसिल यूज करते हैं यूटेंसिल आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज स्टील आयरन एल्युमिनियम क्ले एंड कॉपर बहुत सारे अलग अलग मटेरियल से ये यूटेंसिल बनता है स्पेशल प्लास्टिक एंड पोर्सलेन यूटेंसिल आर यूज टू एन ओवन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। खाना पकाने के लिए जो स्टोव होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हम लोग ऊपर पढ़े गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, किरोसिन स्टोव, हॉट प्लेट, सोलर कुकर, तंदूर एंड चूल्हा।